और मार्च के बैनर तले शहीदों की स्मृति में विशिष्ट समाज सेवी बागेश सिंह के नेतृत्व में बड़ा बाजार कलाकार स्ट्रीट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 100 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। साथ ही साथ बच्चों ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग भी लिया और उसके कई नमूने भी पेश किए। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे कांग्रेस नेता अमिताभ चक्रवर्ती, तृणमूल नेता संजय बख्शी, कोलकाता के 42 नंबर वार्ड के पार्षद महेश कुमार शर्मा उपस्थित थे, कालीनाथ सिंह, सुनील यादव, सुशील यादव, विक्रम सिंह व अन्य अतिथि। तो आई चलते हैं रक्तदान शिविर में और सुनते हैं सबने इस अवसर पर क्या कहा। तो इसमें तो शर्म की बात है ना कि आप किसी 80% लोग को जो है 5 किलो दाना पर आधारित कर दिया है। तो आज शहीद दिवस पर राजनीति का तो बात है नहीं, ये हमारे बच्चे ऊर्जावान बच्चे आए हैं और अपना कर्तव्य दिखाएंगे। ये आयोजन हमारे नागेश भाई जी प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी जोर शोर से अपना योगदान रखते हैं और इसके लिए इनको बहुत 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 वंदन अभिनंदन हमारे भाई को। जिस खून से एक जान बच सकता है, किसी गरीब का बच्चे बच सकता है, महिला बच सकती है, बहन बच सकता है, ऐसे कार्य के लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम उनके जो आदमी ये आयोजन कर रहे हैं। नागेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिन प्रयाप दिन बाबा। देखिए आप लोग जानते हैं जो राणा राजपूत राय जो विप्लवी थे, पूरे शुरुआत करने के बाद राणा राजपूत राय का मौत हो गया था। उसके बाद ये लोग सोच लिया था जब जब पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर उनका हल खबर कर देगा, तो इसी मन के लेके वो लोग मौत तो खत्म नहीं हुआ लेकिन दूसरा ऑफिसर खत्म हुआ बुरे का। इसके बाद आप लोग जानते हैं जो असेंबली है अभी जो पार्लियामेंट है लोकसभा, उसमें जो बम था ऐसा बम था जिसमें कोई आदमी को जख्म नहीं हुआ लेकिन पूरा दुनिया में ये प्रचार हो गया था अंग्रेज का खिलाफ भारतवासी लड़ रहा है। 23 साल का उम्र था उनका, कितना साहस, बहुत सुंदर, कितना साहस रहते हुए ही ऐसा काम कर सकते हैं। आर्यन शर्मा इंटरनेशनल कोच, हम लोग अच्छे लगा आज ग्रेजुएशन भी है और हम लोग का जो अपना जो खेल है कह रहा कि कुश्ती वो भी चल रहा है। रक्तदान शिविर गत 17 বছর ধরে যেখানে চলছে মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা তৈরি করার জন্য এই রক্তদান শিবির, সেই সঙ্গে যুবক যুবতীদের উৎসাহিত করার জন্য কুস্তি প্রতিযোগিতা, এভাবেই এই পরমাত্মা আর্যন শর্মা দেবাঙ্গ অগ্রওয়াল বহুত বড়িয়া বড় ভাই বহুত সুন্দর সাধারণ মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা তৈরি করেছে। আমরা রাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে এসব সংস্থার সঙ্গে জুড়ে থাকি। এখানে শিবজি পাণ্ডে কংগ্রেসের নেতা আছেন, অমিতাভ চক্রবর্তী এসেছেন, আরও অনেক হয়তো আসবেন, আমরাও আসি এবং প্রত্যেক বছর এদের পাশে থাকার একটা মানসিকতা এই কারণে যে এরা মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা তৈরি করে। नागेश साल में चार प्रोग्राम करती रहते हैं, ब्लड डोनेशन बहुत सुंदर बहुत अच्छी फाइट हुई, माता जी का बच्चे ताली बजाए ब्रो कम से कम जोश नहीं आता है। नागेश सिंह जी सोलो नेशनल फाइट नहीं है इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है भैया हमेशा ताली बस समय जाता है रहता है, ये एक अच्छे लीडर है ये। রক্তদান শিবির রাষ্ট্রকে দেখতে বললাম ক্যারাটির একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, কি বলবেন?
বলবো কি আমি তো চাই কি আজকে যা আমরা সব ঢুকে গেছি অন্য অন্য জিনিসের মধ্যে তাকে না চিন্তাধারা করে এই যা আমাদের মনীষীরা আছে যারা শহীদ নিজের মৃত্যুবরণ করেছে আমাদের দেশের জন্য স্বাধীনতার জন্য তাদের জিনিসটা সমাজ মধ্যে নতুন যা জেনারেশন প্রজন্ম আসছে তার মধ্যে ছাড়াবার দরকার আছে না কি হিন্দু মুসলিম এইসব বলে এইসব বাজে কথা বলে তো লাভ নেই যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে এই বাচ্চারা যা এত ভালো খেলাধুলা করছে জুডো করছে কারাটে করছে এইসব জিনিসটা তার মধ্যে আমাদের দায়িত্ব আছে যদি আমরা সামাজিক কাজ করি যদি আমরা পলিটিক্সে আছি তাহলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই নতুন নতুন ছেলে মেয়েদেরকে ভালো ভালো জিনিস শিখাবো তার মধ্যে উনি শিখবেন উনিও হতে পারে কালকে একটা জায়গা বুঝবেন এ হচ্ছে আমাদের কর্তব্য তাই নিয়ে আর আমার সন্তোষ পাঠক আমার লিডার আছে আমার মার্গদর্শক আছে তারই কে দেখে তারই অনুসার আমি কাজটা করতে চাই ও তো আমি তো সন্তোষ পাঠক হতে পারবো না কিছু কিছু উনার আমার জিনিসটা খুব ভালো লাগে সেইগুলো আমি করতে চাই যখন যখন পর্যন্ত আমার লাইফ থাকবে এই কাজটা আমি করে চলবো कितने लोग आज रखते हैं 17वां बार आएगी मतलब कितने लोगों का टारगेट है आज रखते हैं 100 यूनिट का टारगेट है अभी 40 हमारे बीच में हम सबका नेता